मुझे लगता है कि वैसे तो आप सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को सुनते रहते होंगे, लेकिन 15 अगस्त पिछले साल की 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री के द्वारा एक भाषण दिया गया था, उसे आप लोगों ने सुना होगा। उसमें एक बात का उल्लेख किया गया था, लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर। अभी आप सभी जानते हैं कि अगर कानून के हिसाब से बात करें तो लड़की की शादी के लिए न्यूनतम यानी कि कम से कम उम्र 18 साल रखी गई है, वहीं लड़कों की बात करें तो 21 साल रखी गई है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि 18 साल की अगर लड़की हो जाती है तो कानूनी रूप से आप कह सकते हैं कि वो शादी की लायक हो गई है, शादी कर सकती है, और लड़के के लिए 21 साल। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो लड़की की शादी के लिए न्यूनतम यानी कि कम से कम उम्र 18 साल रखी गई थी, इसे बढ़ाकर 21 करने की बात की जा रही है। अब आप लोग कहोगे कि इस समय चर्चा में क्यों है, तो आपको बता दूं, हाल में ही हमारी केंद्रीय कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया हुआ है, और उस प्रस्ताव में कहा गया है कि लड़की की जो विवाह की उम्र है इसे 18 से बढ़ाकर 21 किया जा रहा है। और ये प्रस्ताव क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि जब कोई कानून बनाना होता है तो राज्यसभा में लोकसभा में जाता है, और जब तक लोकसभा राज्यसभा में रहता है उसे बिल कहते हैं। आप लोग उस प्रस्ताव को क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। और जैसे ही राज्यसभा लोकसभा में पारित होगा उस पर राष्ट्रपति साहब की सहमति मिलेगी, हस्ताक्षर होंगे, वो कानून बन जाएगा और पास हो जाएगा आराम से। आप सभी जानते हैं कि जो वर्तमान में सत्ता है, जिसके हाथ में, जिस पार्टी के हाथ में, उसके पास दोनों जगह लगभग बहुमत वो आराम से जुटा लेती है। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि आप सभी ने सुना होगा कि आजादी के पहले आप लोग चले जाइए, लड़कियों की और लड़कों की उम्र 12 साल में कर दी जाती थी शादी, 14 साल में, 16 साल में, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे विस्तार से। और इतिहास से लेकर अभी वर्तमान तक जो भी रहा है इसका एक खाका खींच लेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों को इसके बारे में एक संपूर्ण जानकारी आपके पास रहेगी। अगर आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आराम से आप लोग उसके आंसर जो भी रहेंगे उत्तर दे पाएंगे, बता पाएंगे उसके बारे में। और एक बात बता देता हूँ, इसके क्या फायदे हो सकते हैं उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। अगर 18 से 21 साल की जाती है तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं लड़कियों के लिए। और देखिए, आज की बात नहीं है, लड़कियों की शादी को लेकर या लड़कों की शादी को लेकर बाल विवाह को रोकने के लिए आपने देखा होगा हमारे देश में कई लोग इसकी तरफ एक तरह से आप देखिए प्रयास करते रहे हैं, और अभी भी आपने सुना होगा कई रिपोर्टें आती हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बाल विवाह होते हैं। लड़की की उम्र अगर 14 साल हो गई या 15 साल हो गई तो उसकी शादी कर दी जाती है, 16-17 साल में लड़के की शादी कर दी जाती है। और अभी तक जो कानून रहे हैं उसमें ये प्रॉब्लम रही है कि ज्यादा कुछ सजा का कुछ प्रावधान नहीं रखा गया है, अगर कुछ हुआ इस तरह का मामला तो आसानी से निपट जाता है। अगर इसमें जो वर्तमान में कानून बनने जा रहा है अगर इसमें कुछ सजा का प्रावधान या आपके ये जुर्माने का प्रावधान रखा जाता है तो हो सकता है कि इसमें सुधार आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि इस तरह के कानून आते हैं उससे पहले समाज को जागरूक होना चाहिए, तब इसके और अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। तो वैसे तो हमारे देश में शिक्षाविद, न्यायाधीश, राजनेता रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, इन्होंने कई प्रयास किए। एक व्यक्ति के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, राय साहेब हर विलास शारदा के बारे में, आगे चल के आपने देखा होगा कि एक प्रस्ताव लाए हुए थे, उसी को आप लोग शारदा एक्ट भी कह देते हैं। तो 1927 से पहले आप लोग जाइए तो उस समय आप देखेंगे कि लड़कियों के लिए शादी की उम्र 12 साल मानी जाती थी, और 12 11 12 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। और इतिहास की बुक्स आप लोग उठा के देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि बाल विवाह का बड़ा उल्लेख किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि 1927 में राय साहब हर विलास शारदा ने बाल विवाह रोकने का एक विधेयक पेश किया, और इसमें लड़कों के लिए उम्र 18 साल और लड़कियों के लिए 14 साल करने का प्रस्ताव रखा गया था। और साल 1929 में यह कानून बन जाता है, और इस कानून को ही आप सभी लोग शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इस कानून में कई संशोधन होते रहे आगे चल के। अगर आपसे पूछे कभी कि जो शारदा एक्ट आया हुआ था बाल विवाह को रोकने के लिए, लड़कों और लड़कियों की उम्र शादी की उम्र को लेकर,
तो उसमें कितनी उम्र रखी गई थी लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए? तो याद रखिए, लड़कों के लिए 18 साल रखी गई थी और लड़कियों के लिए 14 साल रखी गई थी। फिर हिंदुओं में आप देखिए एक कानून और आता है, उस पर भी बात करने वाले हैं। लेकिन सन 2006 में एक कानून आया और उसमें आपने देखा है कि लड़कियों के लिए 18 साल न्यूनतम रख दी गई थी और लड़कों के लिए 21 साल रख दी गई थी। और आप सभी लोगों ने, मुझे लगता है कि आप सभी लोग संविधान का भाग 3 पढ़ते होंगे, जिसमें आप सभी जानते हैं कि आपको जो अधिकार दिए गए हैं, पुरुषों हो फिर चाहे महिला हो, किसी भी धर्म से जाति से आते हो, कोई भी लिंग हो आपका, सभी के लिए समानता की बात की गई है। तो ये भेदभाव क्यों होना चाहिए? और जो इसके पक्ष में होते हैं कि कहते हैं कि इनकी उम्र समान होनी चाहिए विवाह की, लड़का लड़की के लिए, तो वो इसका तर्क भी देते रहते हैं, इस बात की उल्लेख करते रहते हैं। तो एक बार हिंदुओं के लिए बात कर लीजिएगा, हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को आप लोग पढ़िएगा। लड़कियों के हेतु विवाह की न्यूनतम आयु 18 साल रखी गई है और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आपको बता दूं कि बाल विवाह गैर कानूनी नहीं है। अगर आप देखिए, इस तरह का कोई विवाह हो जाता है, कम उम्र में शादी कर दी जाती है, और ये कहीं अगर मामला आता है, एफआईआर में एफआईआर होती है, तो इसमें सस्ता निपटने का तरीका भी है। अगर नाबालिग के अनुरोध पर विवाह के समय अपराध को शून्य किया जा सकता है। अगर दोनों मर्जी हैं, दोनों अपनी स्वीकार कर लेते हैं उसे और अनुरोध करते हैं कि इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो आराम से शादी हो सकती है। और इस्लाम में, अगर धर्म में बात करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे धर्म में, हमारे देश में कई धर्म हैं, जैन हो, सिख हो, बुद्ध हो, समझ रहे हैं, हिंदू हो, इस्लाम, तो इस्लाम में यौवन प्राप्त करने वाली वाली नाबालिग का विवाह वैध माना जाता है। और देखेंगे आप लोग, 13-14 साल में उन्हें कह दिया जाता है कि शादी लायक हो गए। और लड़कियों और लड़कों की शादी की न्यूनतम सम्मति आयु को विशेष विवाह अधिनियम 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 द्वारा क्रमशः 21 साल और 18 साल और 21 साल निर्धारित किया गया है। कि जो 2006 का और जो आपका 1954 का अधिनियम है, इसमें कहा गया है कि लड़की की उम्र शादी के लिए 18 साल कम से कम होनी चाहिए और लड़के के लिए 21 साल होना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि जो प्रस्ताव आया हुआ, अगर ये पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो आगे देखने को मिलेगा आपको बदला जाएगा, ठीक है, दोनों की बराबर हो जाएगी, एक तरह से 21 21 हो जाएगी, और लड़की के लिए तो आप देख सकते हैं कि 21 साल हो ही जाएगी एक तरह से। आगे बात करते हैं हम लोग कि लड़की और लड़का दोनों को एक समान विवाह योग्य का आयु का अधिकार की बात की गई है। एक तो आप देखिए सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण है इसका, इसमें क्या कहता है, लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाना सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक है। एक तो आप देखेंगे मातृ मृत्यु दर को कम करने में, क्योंकि आप देखिए जल्दी अगर किसी लड़की की शादी कर दी जाती है, तो आप देखेंगे कि मातृ मृत्यु दर यानी कि बच्चे को जन्म देते वक्त कई माताओं की डेथ हो जाती है, परिपक्व एक तरह से आप कहिए कि उनकी मेच्योरिटी एक नहीं आ पाती है। और आप देखते हैं कि बाल विवाह में ये मातृ मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी देखी जाती है। अगर ये कानून बनता है और इस तरह की उम्र रखी जाती है 21 साल, तो मातृ मृत्यु दर में कमी देखने को आपको मिलेगी। पोषण स्तर को सुधारने में भी एक सफल रहेगा, क्योंकि आप देखिए समझदारी आ जाती है काफी 21 तक, तो वो उस क्षेत्र में भी काफी देखभाल कर पाएंगे। और इससे महिलाओं को आजीविका, उच्च शिक्षा, आर्थिक प्रगति के नए अवसर प्राप्त होंगे और इस प्रकार अधिक समतावादी समाज का निर्माण हो सकता है। आपसे ही पूछता हूँ, आप सभी जानते हैं कि 5-6 साल कक्षा 1 B में पहुंचने के लिए आप लोगों को लगता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जब आपका नाम चढ़ाया जाता है, तो कम से कम आपकी उम्र 5-6 साल होनी चाहिए। 5-6 साल वो हो गए, और 5-6 साल मान लीजिए आपके वो हो गए, और आप देखिए 12वीं पास होती है, तो 12 साल वो जोड़ लीजिए, 6 और 12 18 साल हो पाते हैं। और आप देखिए कि 18 साल की उम्र में, यानी कि लड़की 12वीं पास भी नहीं कर पाती है और शादी उसकी कर दी जाती है, तो इससे क्या रहेगा, आप सभी जानते हैं कि महिलाएं पिछड़ी रहेंगी शिक्षा के क्षेत्र में। अगर ये कानून आता है, तो महिलाओं के पास काफी टाइम हो पाएगा, वो ग्रेजुएशन कर पाएंगी, स्नातक कर पाएंगी, पढ़ लिख पाएंगी, आर्थिक अपनी मतलब अपने आप पैरों पर खड़ी हो पाएंगी, तो इसका एक फायदा आप लोग गिना सकते हैं। और शादी की उम्र बढ़ने से विवाह की उम्र अधिक हो जाएगी
और इससे स्नातक करने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे जैसे महिला श्रम शक्ति भागीदारी अनुपात में सुधार होगा और स्नातक करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 9.8 के मौजूदा स्तर से कम 5 से 7% बढ़ जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए काफी सुधार देखने को मिलेगा। और शादी की कानूनी उम्र अधिक होने पर लड़का और लड़की दोनों आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभान्वित होंगे और महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर अपने हित में निर्णय ले सकेंगी। और आज भी आप जानिए, देखिए मुझे नहीं लगता है कि महिलाएं पुरुषों से किसी क्षेत्र में कमजोर हैं। आज आप देखिए पुरुष जहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, महिलाएं वहां भी झंडा गाड़ दे रही हैं। बस महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमारे देश में अभी भी आप देखते हैं कि किस तरह की सोच रखते हैं, तो उसका फायदा नहीं मिल पाता है। और लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाने और इसे इसे एक समान करने की तारिकता के बारे में अगर हम बात करें, तो न्यूनतम उम्र अनिवार्य नहीं। शादी की न्यूनतम उम्र का मतलब अनिवार्य उम्र नहीं है, कहने का सीधा सा मतलब ये है। और जिस बात का मैंने पहले भी उल्लेख किया हुआ है कि कानून लाने से अच्छा है कि समाज में जागरूकता बढ़ाई जाए। अभी भी ऐसा कोई कानून नहीं है कि 18 साल की हो गई अगर लड़की और 21 साल का लड़का हो चुका है तो उसकी जबरदस्ती शादी कर देनी चाहिए, अनिवार्य नहीं है। अगर वो चाहें, अब उनका परिवार चाहे, तो आप सोचिए कि 28 साल में, 30 साल में, 35 साल में कभी भी आप शादी कर सकते हैं। लेकिन 18 साल से कानून कहता है कि 18 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, अधिक कितनी भी हो। आप लोग कई शादियां देखते होंगे, कई एक्टर एक्टर सुनते हैं रहते होंगे कि बुढ़ापे में शादी करते रहते हैं, तो ये ऐसा है। और यह दर्शाता है कि न्यूनतम उम्र से नीचे बाल विवाह करने पर कानून के तहत आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर आप समाज को जागरूक करते हैं तो मुझे लगता है कि वो बेहतर समझ पाएंगे और एक तरह से रिस्पॉन्स भी दे पाएंगे, और इसका इस जो बाल विवाह हो या उम्र बढ़ाने की बात हो, इसका बेहतर मुझे लगता है इसका रिजल्ट मिल सकता है। लड़कियों के लिए अधिकारों को खतरा। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने से इस उम्र तक उनके व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप रुकेगा। और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारों पर अभिसमय के अनुसार बच्चेपन बच्चों का एक विशेष और संरक्षित समय होता है, और जिसमें प्रत्येक बच्चे को समान रूप से पढ़ने, सीखने, खेलने और सर्वांगीण विकास का वातावरण मिलना चाहिए। यानी कि आपके घर में लड़की है, लड़का है, कोई भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए, ये कहता है हमारा अंतरराष्ट्रीय जो कानून है, एक तरह से वो कहता है। माता पिता द्वारा कानून का दुरुपयोग, आप देखिए एक तरह से हमारे समाज पुरानी सोच का है, तो उसके उनके द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है। माता पिता द्वारा बाल विवाह कानून का उपयोग बेटियों के खिलाफ किया गया है। यह माता पिता द्वारा उन लड़कों को सजा देने का एक उपकरण बन गया है जिन्हें लड़कियां अपनी पसंद से पति चुनते हैं, और अधिकांश सुव्यवस्थित विवाह के मामलों को अदालत में ले जाता है जाया जाता है, जिसमें ऐसे केवल 1/3 मामले अरेंज मैरिज से संबंधित होते हैं, जिन्हें कभी कभी माता या पिता या पति द्वारा घरेलू हिंसा और दहेज जैसे मुद्दों के कारण विवाह विच्छेद कराने के लिए लाया जाता है। एक सीधी सी बात मान लीजिए, किसी लड़की ने अपने मन का एक तरह से पति चुन लिया है, और हमारा देश आप सभी जानते हैं सभी को अधिकार है, और ये क्वेश्चन आपको बता दूं कि सिविल सर्विस में पूछा भी जा चुका है, मनपसंद शादी का आपको लड़का लड़की को किस आर्टिकल के तहत एक तरह से सुरक्षा मिली हुई है, तो आर्टिकल 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। तो इसमें आप देखिए कि माता पिता उसके खिलाफ हैं और लड़की की उम्र मान लीजिए कि 18 साल से कम है, तो वो कोर्ट चले जाते थे, समझ रहे हैं आप लोग। तो यही बदले की बात की जा रही है। आगे हम लोग विवाहों की सामाजिक वैधता की बात करें, तो भले ही कानून निर्दिष्ट आयु से पहले विवाह को शून्य घोषित कर दे, लेकिन अरेंज मैरिज की सामाजिक वैधता समुदाय की दृष्टि में बनी रहेगी, और इससे उन लड़कियों की स्थिति खराब हो जाती है जो शादी के लिए निर्धारित कानूनी उम्र तक पहुंचने से पहले ही विधवा हो जाती हैं। और आप देखिए हमारे समाज में तो ये कहा जाता है कि किसी का अगर पति की डेथ हो गई तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए, हमारा समाज तो ये कहने लगता है। और आप देखिए कि अगर किसी की शादी हुई, मान लीजिए कि बाल विवाह में, यानी कि 14-15 साल में उसने शादी कर ली, और ऊपर वाला ना करे उसकी, अगर उसके पति की डेथ, आप सोचिए 18 साल तक या 17 साल तक हो जाती है, तो वो क्या रहेगी उसकी हालत, तो ये भी प्रॉब्लम देखी जाती है। और कन्या भ्रूण हत्या में वृद्धि देखने, लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाने से पुत्रों को अधिक वरीयता देने और उच्च गरीबी वाले देशों में कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयनात्मक गर्भपात को बढ़ावा मिल सकता है।
ये जरूर एक तरह से आप देखिए कि देखने को मिलेगा कि कन्या भ्रूण हत्या और लिंग की बात कर, लिंग चयनात्मक गर्भपात की, तो देखिए तकनीकी आई हुई थी। अब आप सभी जानते हैं कि मोबाइल का उपयोग भी कर सकते हैं आप, दुरुपयोग भी कर सकते हैं, तो अल्ट्रासाउंड आप लोगों ने सुना होगा। इसलिए इसकी खोज की गई थी कि आपके अंदर मालूम चल सके कि इसमें क्या प्रॉब्लम है आपकी, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन हम लोगों ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने क्या कर दिया कि हम लोग ये जांच के लिए, पता करने के लिए कि लड़का है पेट में या लड़की है गर्भ में, ये जानने के लिए हम लोग उस तकनीक का उपयोग करने लगे। और अगर लड़की है तो आपने देखा होगा कि उसका गर्भपात करवा देती है, यानी कि उसे वहीं मिट खत्म करवा देते हैं, और लड़का है तो ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारे समाज में अभी भी देखी जाती है, लेकिन आपको बता दूं इस पर भी कानून है। अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा गया, डॉक्टर हो या कोई माता पिता, तो उसे सजा का प्रावधान भी रखा गया है। तो ये प्रॉब्लम रहती है शिक्षा के क्षेत्र में। मुझे नहीं लगता है बेहतर अगर आप लोग कानून बनता है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर समाज जागरूक होता है, पढ़ता लिखता है, तो मुझे लगता है इससे कानून के अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना हो सकती है। और हम लोग तो संभावना ही आशावादी लोग हैं, तो यही सोच सकते हैं। चलिए आप लोग एंजॉय करते रहिए, आप लोग आगे बढ़ाते रहिए, और आसपास भी आप लोग इस तरह के कानून अगर आते हैं तो जागरूकता करने में एक तरह से अपना भी काम निभा, अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। चलिए हम लोग नई क्लास में मिलेंगे, तब तक आप लोग एंजॉय करिए।